दिन आज पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, किसानों को घेराव को, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किसान परिवार में से एक नव विवाहित जोड़ा, जो परिवार की बहू है, नव विवाहित जोड़ा जो किसान परिवार से है, वो भी आज यहाँ पर पहुंचा है। आप जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं, शायद शादी को कुछ ही दिन हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका पूरा परिवार यहाँ पर सेवा करने पहुंचा है। परिवार की महिलाएं हो और नव विवाहित जोड़ा यहाँ पर पहुंचा है। बस किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए, यही डिमांड है। काफी समय से बैठा है किसान? हाँ जी, काफी समय से बैठे हैं और किसी को शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। अगर उनकी डिमांड्स पूरी होगी तो वो सारे अपने घर चले जाएंगे। सरकार क्यों नहीं मान रही, क्या लगता है आपको? पता नहीं, वो अपने अड़े हुए हैं, उनको किसानों की सुननी चाहिए। जब उनको पता है कि कोई खुश नहीं है तो उनको किसानों की सुननी चाहिए, क्योंकि ये बिल्स ऑब्वियसली उनके भले के लिए तो नहीं है। तो आपको लगता है कि 26 तरह का आंदोलन छिड़ता है तो लोग भी बहुत परेशान होते हैं, शहर के लोग? हाँ जी होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरी कोशिश करी जा रही है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अभी तक तो ठीक है। युवा है, एक इंटरनेट 3 दिन से बंद है, उसके कारण बहुत परेशानी लोगों को आ रही है, इस पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई खराब हो रही है? हाँ जी, पढ़ाई तो खराब हो रही है, काफी बिजनेस भी आजकल नेट पे डिपेंड है तो वो भी बंद हुए हुए हैं। लेकिन आई थिंक नेट का तो कोई लेना देना नहीं है, नेट जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अब पढ़ाई भी ऑनलाइन स्टार्ट हुई हुई है बच्चों की, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। सामने 3 दिन आज पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, किसानों को घेराव को, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किसान परिवार में से एक नव विवाहित जोड़ा, जो परिवार की बहू है, नव विवाहित जोड़ा जो किसान परिवार से है, वो भी आज यहाँ पर पहुंचा है। आप जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं, शायद शादी को कुछ ही दिन हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका पूरा परिवार यहाँ पर सेवा करने पहुंचा है। परिवार की महिलाएं हो और नव विवाहित जोड़ा यहाँ पर पहुंचा है, उन्हीं से सबसे पहले जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे? आप किसान परिवार से ही हैं जी? जी सर, बिल्कुल किसान। कितने दिन हुए आपकी शादी को? शादी को 5-6 महीने हुए हैं सिर्फ सर, और ये हमारा एक तरह से ड्रीम बन चुका है अब कि गवर्नमेंट को मना के छोड़ना है, उसके बिना हम उसको नहीं छोड़ने वाले। गवर्नमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले, ये नहीं मानेंगे। इन्हीं की मांग है, हमारी मांगे हैं, वही पूरी होंगी। तो किस तरह से आप चाहते हैं सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जल्द से सरकार जितनी जल्दी झुक जाएगी सब कुछ आसानी से हो जाएगा। हमें कोई शौक तो है नहीं घर छोड़ के यहाँ बैठने का, या किसी को भी नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं नव विवाहित जोड़ा पहुंचा है। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, आप भी किसान परिवार से हैं, मैसेज देना चाहेंगे कुछ? नहीं सर, सरकार के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? बस किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए, यही डिमांड है। काफी समय से बैठा है किसान? हाँ जी, काफी समय से बैठे हैं और किसी को शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। अगर उनकी डिमांड्स पूरी होगी तो वो सारे अपने घर चले जाएंगे। सरकार क्यों नहीं मान रही, क्या लगता है आपको? पता नहीं, वो अपने अड़े हुए हैं, उनको किसानों की सुननी चाहिए। जब उनको पता है कि कोई खुश नहीं है तो उनको किसानों की सुननी चाहिए, क्योंकि ये बिल्स ऑब्वियसली उनके भले के लिए तो नहीं है। तो आपको लगता है कि 26 तरह का आंदोलन छिड़ता है तो लोग भी बहुत परेशान होते हैं, शहर के लोग? हाँ जी होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरी कोशिश करी जा रही है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अभी तक तो ठीक है। युवा है, एक इंटरनेट 3 दिन से बंद है, उसके कारण बहुत परेशानी लोगों को आ रही है, इस पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई खराब हो रही है? हाँ जी, पढ़ाई तो खराब हो रही है, काफी बिजनेस भी आजकल नेट पे डिपेंड है तो वो भी बंद हुए हुए हैं। लेकिन आई थिंक नेट का तो कोई लेना देना नहीं है, नेट जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अब पढ़ाई भी ऑनलाइन स्टार्ट हुई हुई है बच्चों की, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर काफी गुरुद्वारे आए हुए हैं जो सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे लंगर सेवा कर रहे हैं, ऐसे सेवादारों के लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं प्राउड है कि मुझे कि हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी लोगों की सेवा कर रहे हैं। गरीब लोग भी हैं, वो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, उनके घर पे भी अभी मतलब कि उनको खाने की दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे फ्री सेवा चल रही है। आप एक बेटी हैं, आपके साथ देखा होगा कि आपने हजारों पुलिस वालियाँ भी यहाँ, जो बेटियाँ हैं वो भी यहाँ पर परेशान हो रही हैं 24 घंटे, वो भी परेशान हो रही हैं, तो सरकार को क्या उनकी तकलीफ नहीं दिखती? दिख रही है, सरकार देख रही है, उनके भी बच्चे हैं घर पे, वो भी अपना परिवार छोड़ के आए हुए हैं। ऐसा है जी, मोदी को ये देखना चाहिए कि मोदी ने जब ये बिल आए थे, मोदी ने बोला था कि ये किसानों के हित में है, किसानों का भला करेंगे। जब किसान अपना भला नहीं चाहता तो वो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब 2 नंबर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो वो जबरदस्ती कर रहा है। जो जिसका भला, अब आपका भला करेंगे आप क्यों नहीं चाहेंगे? अगर आपका भला नहीं है, आपको कुछ नुकसान दिख रहा है तभी आप बोल रहे हैं, तभी आप सड़कों में बैठेंगे ना आके, तो पागल तो कोई है नहीं यहाँ पे। और आज के टाइम में सब इतने सयाने हैं, मोदी किसी को ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बना सकता, उसने बना लिया। तो सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों की मांगे पूरी करें, और नेट सेवाएं बंद करके कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों के परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, लोग अपने परिवारों से कैसे बात करेंगे, हमारा उनका परिवार सुरक्षित है या नहीं है, ये परेशानी तो हल करनी चाहिए। नेट बंद करके क्या जताना चाहती है सरकार? 3 दिन से सरकार है, सरकार बंद, ऑनलाइन बच्चों की क्लासें बंद कर, स्कूल बंद है, स्कूल के कितनी परेशानियां हैं वो कुछ देख नहीं रही सरकार। ये तो गलत बात है, नेट चालू होना चाहिए। अगर सरकार को डर है तो कानून पास होने चाहिए। बच्चे काफी परेशान हो, बच्चे परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, जिनके बीवियां बच्चे घर छोड़ के परिवार बैठे हुए हैं वो अपने परिवार से बात करने के लिए परेशान है, नेट नहीं चल रहा है, उनकी शक्ल देखने के लिए परेशान है, वे ठीक ठाक है या नहीं है, ये बातें तो सरकार को सोचनी चाहिए। वो तो आराम से कुर्सियों में बैठे हुए हैं, एसियों में बैठे हुए हैं, यहाँ गर्मी में जनता मर रही है, जनता भी हम जनता से ही सरकार है, सरकार से जनता नहीं है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक परिवार पहुंचा है, एक नवविवाहित जोड़ा यहां पर पहुंचा है, और मांग सिर्फ यही है कि सरकार जल्द से जल्द जो किसानों की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करे। और सबसे बड़ी बात है कि परेशानी अपने में बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि इंटरनेट भी बंद है, और इंटरनेट बंद है तो बच्चों के लिए काफी परेशानी बनती है। क्या कहना चाहेंगे, इंटरनेट बंद होने से कितनी परेशानी हो रही है? इंटरनेट बंद होने से देखो बच्चों की पहले ही 2 साल से स्कूल बंद है, और अब रही गई थोड़ी बहुत उनकी पढ़ाई चल रही थी जो इंटरनेट के थ्रू चल रही थी, अब वो भी बंद हो चुकी है। और किसानों पे इंटरनेट बंद होने का बिल्कुल एक पैसे का भी असर नहीं पड़ेगा, ये सरकार ने परसों भी देख लिया है। लाखों की संख्या में करनाल वहाँ पे पहुँचे थे और आज तक यही हाल है, आज भी यहाँ पे लाखों के हिसाब से जनसंख्या थी, कोई इसमें कमी नहीं आएगी। सरकार बेशक महीना बंद करके देख ले, और मैं नेट जो ये जो सोशल मीडिया है आपका बहुत बहुत थैंक यू करूँगा कि आप यहाँ पे आते हो, हमारी वीडियो जो आप वायरल कर रहे हो बहुत बहुत थैंक यू आपका। लेकिन सरकार जितना मर्जी जोड़कर नेट बंद करने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, जितना सरकार हम पे अत्याचार करेगी हम उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। ये 28 तारीख की लाठीचार्ज का ही गुना है जो आज हम इतनी संख्या में है, और द्वारा भी अगर लाठीचार्ज हुआ तो उससे कई गुना ज़्यादा, अब हजारों में है तो लाखों में यहाँ पे पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लाखों में पहुँचेंगे। कुछ और लोग भी हैं उनसे भी जाना चाहेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं 2 छोटे से बाल किसान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो एक किसान परिवार से हैं, और वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम परिवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपने हमें बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें इसलिए है क्योंकि परेशानी कहीं ना कहीं बड़ी होती जा रही है। सरकार को जल्द से जल्द किसान नेताओं के साथ बैठकर कोई ना कोई समाधान जरूर निकालना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि तमाम परिवार यहाँ पहुँचे हुए हैं, और एक और परिवार है उनसे जाना चाहेंगे। सर आप कहाँ से आए और क्या कहेंगे? सर करनाल से ही हैं। तो बच्चों को घुमाने आए हैं जी? हाँ जी, ये कह रहे देख के आना धरना जाके, तो कानून वापस होने चाहिए जी, SDM होना चाहिए बर्खास्त, बस यही कहना चाहेंगे जी। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे जी, बच्चों को लेके आए हैं आप यहाँ सुबह सुबह? असं ये कहना चाहते हैं भी साढ़े कानून वापस कर देना तो अपने किसान घर जाने, असं यही कहना चाहते हैं बस। परेशानी देखी होगी? हाँ जी, परेशानी तो फिर थोड़ी बहुत ही है ही है, पर किसान ने खेती वाले ने उन्होंने परेशानी इन्नी है भी कौन गई, पर सरकार कर दी भी परेशानी करी जाए अपना। बिल्कुल जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए। तमाम परिवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ एक गुरु है, शिक्षक है, प्रोफेसर रामजी लाल जी, जो दयाल सिंह कॉलेज के कई साल प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो भी ये मेला देखने पहुंचे हैं, किसानों का आंदोलन देखने पहुंचे हैं, शिक्षाविद है बहुत बड़े। सर क्या कहना चाहेंगे, आप पहुंचे हैं यहाँ पर परिवार सहित पहुंचे हैं, क्या लगता है किसान आंदोलन को लेकर? करनाल में ही अब शुरू हो चुका है किसानों का धरना, पहले सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर की आप खबरें देखते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र से ये तस्वीरें कैसी लग रही हैं आपको? ऐसी खूबसूरत लग रही हैं जैसे मतलब जो है ना वास्तव में आंदोलन जो है ना ये वो आंदोलन नहीं है, एक वैचारिक आंदोलन बन चुका है। नंबर दो, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत मैं अनुभव करता हूँ किसान आंदोलन की, वो ये है कि ये मोस्ट सेकुलर आंदोलन है, और सरकार के द्वारा, मैं खास तौर पर कह रहा हूँ BJP के द्वारा और उसके अलाइड संगठनों के द्वारा, जो बार बार हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई या किसानों को कई आंदोलनकारी, कोई परजीवी, कोई ये कहते हैं, वो भूल गए कि BJP के जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कभी नंगे होकर किसानों के आंदोलन के साथ बैठे थे। तो इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान ये है कि सरकार को नहीं, प्रधानमंत्री को किसान नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान। एक SDM पर प्रशंसन आकर खड़ा हो जाता है कि SDM का सुरवार है, और किसान नेता इसी बात पर अड़े हैं कि SDM के खिलाफ और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करें, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जो SDM का जहाँ तक ताल्लुक है, SDM संभाल फ्राई है, प्रशासन के अंदर सबसे छोटा अधिकारी है। SDM की मजाल ही नहीं है कि वो किसानों के खिलाफ ये बोल दे, और अगर उसने ये बोला है ये उसकी लीगल गलती है, उसके लिए जो ना कानूनी कार्रवाई कानून के अनुसार उसके खिलाफ होनी चाहिए। अफसोस ये है, क्या IAS की जो ट्रेनिंग है क्या उसमें सिर फोड़ने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है क्या? और अगर ये है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनता के खिलाफ है, जनता के लिए नहीं है। तो बिल्कुल आप देख रहे थे इस समय प्रिंसिपल रह चुके हैं दयाल सिंह कॉलेज के, एक बड़े शिक्षाविद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और एक नवविवाहित जोड़ा जिसने भी अपनी बात जो है सरकार के सामने रखी है। हमारी भी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक ये बातचीत जाए, और जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाए ताकि आम लोगों की परेशानी की तरफ भी जरूर जो है सोच विचार हो। और दूसरा, जो 3 दिन से इंटरनेट सेवा बंद की हुई है उससे बच्चों को, परिवारों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको भी जल्द से जल्द एक्टिवेट करने की जरूरत है। हमारी आप सभी से अपील कि जो लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है।
कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे, सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है, वीडियोस का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।